हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिड्यूसिबल मैथमेटिका। आज पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की शुरुआत होती है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से। सबसे पहले ये डेफिनेशन कवर करेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए मान लिया लेट KPT फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल P एंड T, वेयर P इज पैरामीटर, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ T। द फंक्शन FP डिफाइंड बाय इंटीग्रल, FP डिफाइंड बाय इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी KPT कैपिटल FT TT। दिस फंक्शन FP इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कैपिटल FT विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन KPT, एंड दिस फंक्शन KPT इज कॉल्ड कर्नेल, इज कॉल्ड कर्नेल, एंड द होल ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन FT। इसके बाद आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इफ सपोज मैं KPT को इस तरह डिफाइन कर दूं, KPT इज इक्वल टू 0 इफ T इज लेस देन 0 एंड e की पावर माइनस PT If T is positive, then put in equation first. FP is equal to integral, ये जो है integration इसको break कर दो, इसके limit को minus infinity to 0। KPT की value कितनी है T से 0, जब T 0 से छोटा होगा 0, तो 0 into FT dt प्लस 0 टू इन्फिनिटी, KPT की वैल्यू है e की पावर माइनस pt ft dt। दिस होल इंटीग्रल इज 0 और बचा ओनली 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt ft dt। सो दिस ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the function capital FT with respect to kernel this. So this is the definition of Laplace transform. इसी के बेस पे कुछ पर्टिकुलर Laplace transform निकालेंगे। ठीक है भैया? जी भैया। सबसे पहले इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 देन लाप्लास ऑफ FT इक्वल टू, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 देन लाप्लास ऑफ FT इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt ft dt। ft की वैल्यू रख दो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt dt। इसका इंटीग्रल e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाएंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0 माइनस e की पावर माइनस 0 अपॉन माइनस p और ये आ जाएगा 1 अपॉन पी। ठीक है, ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन FT इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद है
सेकेंड इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू ए की पावर ए टी देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी e की पावर ए टी डी टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी माइनस ए टी डी टी से इंटीग्रेट कर दो तो e की पावर माइनस p माइनस ए टी ओवर माइनस ऑफ p माइनस ए जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो e की पावर माइनस जीरो बटे माइनस ऑफ p माइनस ए इक्वल टू वन अपॉन p माइनस ए दिस इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ए टी ठीक है।